हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं मलाई की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। और जब भी घर में मेहमान आए, आपके पास समय हो कम या कोई सब्जी आपके समझ में ना आए, तो आप ये सब्जी ज़रूर बनाइएगा। सबको बहुत पसंद आएगी, वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे, उन्हें इतनी टेस्टी लगेगी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो गैस पर हमने यहाँ पे पैन रख लिया है और एक छोटी चम्मच हमें यहाँ तेल डालना है। बहुत ज़्यादा तेल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा तेल चाहिए। उसके बाद एक चम्मच हम यहाँ पे जीरा डाल लेंगे। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हम यहाँ पे एक चम्मच डालेंगे ग्रेट किया हुआ लहसुन, चाहे तो आप पेस्ट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और आधा चम्मच हम यहाँ पे अदरक डाल लेंगे ग्रेट किया हुआ। उसके बाद अच्छे से इन्हें हम चम्मच से चला लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस एक मिनट हम इसे करेंगे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही आप रखें। उसके बाद हमने यहाँ पे दो बारीक कटे हुए प्याज डालिए मीडियम साइज़ के। और प्याज को तो हमें बहुत अच्छे से ब्राउन करना है, जब तक कि इसका कलर बहुत अच्छा सा ना आ जाए, गोल्डन ब्राउन। तो ये देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है। अब हम यहाँ पे दो बारीक कटे हुए टमाटर डाल लेंगे। टमाटर का पेस्ट वेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे छोटे काट के ही डालें, क्योंकि ये सब्ज़ी आप सिंपल तरीके से बनाएंगे लेकिन बनेगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यकीन मानिए। उसके बाद एक चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर डाल लेंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, एक चौथाई चम्मच देगी मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और ये तीखी भी कम होती है। और एक चौथाई चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आप नमक स्वाद अनुसार डालें। उसके बाद सारे मसालों को अच्छे से चम्मच से चला लेते हैं। टमाटर को और मसालों को हमें बहुत अच्छे से पकाना है, क्योंकि मलाई डालने के बाद तो सब्ज़ी को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस मसाले आप बहुत अच्छे से पका लें। ढक्कन लगा के तेल छोड़ने तक मसाला पकाएंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला बाद में ही डालें, ढक्कन लगा के मैंने पका लिया था। टमाटर बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए चम्मच से हम दबा रहे हैं तो बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। मसाला अच्छे से हमारा पक के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे मलाई डाल लेते हैं एक बोल। बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई भी नहीं होनी चाहिए, एक हफ्ते की मलाई चल जाएगी। और मलाई को आपने अगर फ्रीज़र में रखा है तो थोड़ी देर पहले बाहर निकाल दें मेल्ट होने के लिए। और मलाई डालने के बाद आपको लगातार चम्मच से चलाते रहना है, नहीं तो मलाई फटी फटी सी हो जाएगी और आपकी सब्ज़ी देखने में भी ख़राब लगेगी और थोड़ा टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, मलाई डालने के बाद चम्मच से लगातार ज़रूर चलाते रहें जब तक कि मलाई में एक उबाल ना आ जाए। तो मलाई की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, यकीन मानिए। आप खा के तो देखिएगा, बना के तो देखिएगा, पनीर की सब्ज़ी भी इसके आगे फेल है, इतनी टेस्टी इसकी ग्रेवी लगेगी आपको खाने में। तो देखिए लगातार मैं चम्मच से चलाते रह रही हूँ। तो देखिए मलाई की सब्ज़ी में बस उबाल आ ही चुका है। अब हम यहाँ पर डाल लेते हैं दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च। उसके बाद एक चम्मच ऊपर से हम यहाँ पे कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी आप ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लेते हैं। बस गैस को अब हम बंद कर देंगे। सब्जी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये देखिए कितना आसान है ये सब्ज़ी बनाना। बहुत ज़्यादा आपको टमाटर प्याज के बीच में ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है और ये 10 मिनट में ही बन जाएगी। मलाई डालने के बाद जब इसमें उबाल आ जाता है तो आपको उस उबाल आने के बाद सिर्फ 3 से 4 मिनट ही आप इसे पकाए धीमी धीमी आंच में। तो ये देखिए हमारी मलाई की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे पूरी के साथ खाए, पराठे के साथ खाए, रोटी के साथ खाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, यकीन मानिए। जो भी अगर आपके हाथ की एक बार ये सब्ज़ी खा लेगा आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा, ये इतनी टेस्टी लगती है खाने में, तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं मिलूँगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।